व्यूअर्स का थैंक्स, बिकॉज आप लोगों का सब्सक्राइब करने से हमारे व्यूज़ डेली बढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कैफ के बारे में, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है स्मार्ट एनएसडीसी की। आपकी एप्लीकेशन आप थ्रू एंड्रॉयड जो प्ले स्टोर होता है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैब कितना इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपना फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं। हमने बात की थी ग्रेडिंग मैट्रिक्स की भी। कैब एप्लीकेशन का काम है फोटोग्राफ्स को क्लिक करना और उसे फाइनली कैब फॉर्म, जो कि आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है स्मार्ट एनएसडीसी पे, आप उसमें डिटेल्स मैनुअली डालते हैं। तो फोटोग्राफ्स जो अपलोड होंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट एनएसडीसी की एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही होंगे, जहाँ आपको जनरल डिटेल्स के फ़ोटोग्राफ्स डाले हैं, ट्रेनर्स की क्वालिफिकेशन के फ़ोटोग्राफ डाले हैं, हर लैब के फ़ोटोग्राफ्स डाले हैं, ट्रेनर के साथ साथ आपको जो एक्सटर्नल स्टाफ होता है, जो आपका एडमिन स्टाफ है, उनके डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोग्राफ डाले हैं। इक्विपमेंट आपका लैब में विद द टैगिंग के साथ में होना चाहिए और उतना ही इन इक्विपमेंट होना चाहिए जितना कि लिस्ट में दिया हुआ है एसएससी की या स्मार्ट एनएसडीसी की उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर इक्विपमेंट्स में डेफिशिएंसी पाई जाती है, लैब के अंदर कोई डेफिशिएंसी पाई जाती है, या आपने जो कैफ में फॉर्म फिल किया है उसमें लिख दिया कि आपके यहाँ एसी अवेलेबल है पर फोटोग्राफ में कोई एसी नहीं दिख रहा है या इक्विपमेंट नहीं दिख रहा है, दैट केस आपका डीम नॉट रेडी केस आ सकता है। या फिर आपने डॉक्यूमेंट जिसमें कि एड्रेस प्रूफ में आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल डाला, रेंट एग्रीमेंट डाला और रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल में कॉन्फ्लिक्शन आया एड्रेस में, मतलब एड्रेस दोनों का सेम नहीं है, इन दैट केस आपका रिजेक्ट हो सकता है, रिजेक्ट इन द सेंस डीम नॉट रेडी। तो इन दैट केस आपकी इंस्पेक्शन लेट होगी, इंस्पेक्शन लेट होगी तो आपको सीट अलॉटमेंट लेट होगा। तो बेटर कि सबसे पहले कि आप कैफ के लिए अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ को रेडी रखिए, अपना प्रमाइसिस को रेडी करके रखिए और लैब आपकी प्रॉपरली सेटल्ड होनी चाहिए, हर एक इक्विपमेंट टैग होना चाहिए, हर इक्विपमेंट का आप फोटोग्राफ लेंगे, कॉर्नर से फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे जैसे इसमें दिखा है, हर फोटोग्राफ जब क्लिक होता है और जब अपलोड होता है तो उसके नीचे एक टैगिंग आ जाती है। आप उसके बाद जो है जो भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आप आर ओ सिस्टम है आपके, यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटी है, डिसेबल फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाए हुए हैं, रैंप बनाया है, तो आपके ये फ़ोटोग्राफ्स अपलोड होते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं और क्रॉस चेक कौन करता है ये भी, ये सभी चीज़ें जो आप अपलोड कर रहे हैं या मैनुअली फिल कर रहे हैं, ये इंस्पेक्टर जब इंस्पेक्शन के लिए आता है वो सभी डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन होने चाहिए और जो जो चीज़ें आपने भरी हैं मैनुअली उसके अकॉर्डिंगली वो क्रॉस चेक करता है कि वेदर यू हैव फिल्ड ऑल द थिंग्स करेक्टली और नॉट, और अगर कोई भी चीज़ फॉल्सफाई जाती है इन दैट केस आपका एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकता है। इंस्पेक्टर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप फोटोग्राफ्स क्लिक करेंगे वो सभी डॉक्यूमेंट एट दैट टाइम प्रेजेंट होने चाहिए, ट्रेनर्स प्रेजेंट होने चाहिए, एडमिन का स्टाफ प्रेजेंट होना चाहिए, एमआईएस कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, प्लेसमेंट ऑफिसर, काउंसलर्स एंड जो आपका हेल्पर है यानी कि सफाई करने वाला वो होना चाहिए, गार्ड अगर आपने लिखा है सिक्योरिटी गार्ड एट दैट टाइम इंस्पेक्शन के होना चाहिए, और इन एनी केस अगर कोई नहीं है इन दैट केस आपका उसका एक एप्लीकेशन लीव एप्लीकेशन की क्यों वो ऑन लीव है एट दैट ऑन दैट पे, ये चीज़ आपके उस समय इंस्पेक्शन के दौरान होनी चाहिए। आप क्लासरूम को अभी मेंशन करेंगी कौन सा क्लासरूम की फ़ोटोग्राफ आप क्लिक कर रहे हैं, आप क्वालिफिकेशन का मेंशन करेंगे, तो आप ये देख रहे हैं ये कंप्लीट पोर्टल है फॉर क्लिकिंग द फोटोग्राफ्स, यानी कि आपके सभी फ़ोटोग्राफ्स इसके थ्रू क्लिक हो जाएंगे और अपलोड करेंगे कि आप कैप फॉर्म में, और फाइनली आप उसे जब सबमिट कर देंगे तो फोटोग्राफ्स आपकी कैप फॉर्म जो कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर से फिल कर रहे होंगे, ये सभी फ़ोटोग्राफ जो कि आप अपने मोबाइल से क्लिक कर रहे हैं उस पर अपलोड हो जाएंगे और फाइनली देन आप उन सभी चीज़ों को फिल करेंगे मैनुअली जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि एक सैम्पल स्मार्ट एनएसडीसी या विप्स फाउंडेशन की वेबसाइट पे भी मेंशन है, कैफ का सैंपल भी आप भर कर देख सकते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा कि सीसीटीवी कैमराज आपको क्लिक करना है फ़ोटोग्राफ्स में, इवन हमने एक जियो टैग फोटोग्राफ्स की वीडियो ट्यूटोरियल भी अपलोड की है, आप उसके अकॉर्डिंगली भी हेल्प ले सकते हैं। हर एक क्लास में और लैब में डस्टबिन होना चाहिए,
वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वायर्स अभी जो है कवर्ड होने चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ये आपके लिए इवन फैसिलिटीज़ आप जैसे आर ओ वाटर दे रहे हैं, पानी की फैसिलिटी दे रहे हैं, पार्किंग दे रहे हैं, जो सेंटर की फ़ोटोग्राफ्स हैं आउटसाइड द प्रीमाइसेस एंड इनसाइड द प्रीमाइसेस क्लिक होंगी। इस तरह से आप फाइनली सबमिट करते जाएंगे हर फोटोग्राफ को डॉक्यूमेंट्स के साथ में। ये फाइनली हम जैसे बात कर रहे हैं कि कैफ के अंदर मैंडेटरी हैं ये सभी चीज़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।